नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज की खबर ऐसी है जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं, आपका दिल पसीज सकता है, क्योंकि एक खबर ही कुछ ऐसी है जिसे लिखते वक्त आज मैं भी हैरत में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, सोचिए कि किसी शख्स के 23 साल जेल में बीत गए हों, वो भी बिना किसी गुनाह के, और जब वो जेल से बाइज्जत परी किया गया तब ना तो पिता जिंदा थे और ना ही उस शख्स की मां। अगर कुछ बचा था तो सिर्फ आंखों में आंसुओं का सैलाब और अपने माता पिता की कब्र पर रोता अली भट्ट। आज ये तस्वीर कई सवाल पूछ रही है कि आखिर बिना गलती के किसने उसके जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, आखिर क्यों उसे बिना किसी सबूत के 23 साल तक जेल में रखा गया। वीडियो में अपने माता पिता की कब्र पर रोते इस शख्स का नाम है अली भट्ट, जिसे 1996 में जेल में बंद कर दिया गया था और अब राजस्थान हाईकोर्ट ने सबूत ना मिलने के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि वो 23 साल कौन लौटाएगा। आज ये 20 सेकंड का वीडियो 23 साल की पूरी कहानी को बयां कर रहा है। इस वीडियो का एक एक सेकंड बेहद ही भावुक है। आप सोच कर देखिए कि मां बाप की पूरी उम्र बस यही सोचते गुजर गई कि उसका बेटा तो आतंकी था, लेकिन जब वो बाइज्जत बरी होकर जेल से बाहर आता है तब वो अपने माता पिता को यह भी नहीं बता पाएगा कि मां, मैं आतंकी नहीं था, मैं बेगुनाह था और आज देश की अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन आज अली भट्ट जिंदा नहीं है। आज अगर कुछ जिंदा है तो उसकी ये तस्वीर और माता पिता की कब्र। लेकिन आज सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार उसका गुनाह क्या था। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लगातार इस तरह की खबरें आपके सामने रखते रहेंगे। नमस्कार।